इंदौर के खजराना पुलिस द्वारा भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के चलते 5 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम बा धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था, जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटने व आम जनता को बेचकर धन इकट्ठा किया था। मध्य प्रदेश में चल रही भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान के तहत खजराना पुलिस द्वारा 5 माह से फरार चल रहे गोपाल गोयल व मनोहर मीणा को धर दबोचा है। आरोपियों द्वारा नगर निगम अधिनियम के विरुद्ध कॉलोनी काटने के बाद डायवर्जन कर प्लॉट बेचने की हिमायत की गई थी, जिसके विरुद्ध जाकिर पटेल द्वारा थाने में शिकायत की गई थी, जिस पर जांच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। तभी से पुलिस को इन 2 फरार आरोपियों की तलाश थी, जिन्हें पकड़कर पुलिस ने अन्य कई धोखाधड़ी संबंधित मामलों में भी पूछताछ कर रही है। नगर निगम दरोगा जी ने रिपोर्ट लेकर आई थी कि जो कॉलोनी काटी गई है वो बिना विभागों की अनुमति, जो भी अनुमति लगती है उनके बिना इसको प्लॉटिंग कर दी है। उस पर से नगर निगम अधिनियम के तहत और 420-467 धाराओं के अधीन अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें से गोपाल गोयल तथा मनोहर मीणा को गिरफ्तार किया गया है।